संविधान की रक्षा के लिए वेस्ट बंगाल में जो हिंसक प्रदर्शन हो रहा है वो हिंसा बंद हो, पीड़ितों को न्याय मिले और वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर के आज हमने भीषण प्रतिज्ञा किया है। यदि 24 मई तक हमारी बात नहीं मानी गई तो 25 मई को इसी चिता में यहीं बैठ करके और मैं आत्मदाह करूंगा। आज सभी देशवासियों के सामने मैं चिता लगा करके और अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, देशवासियों की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, इंसानियत और मानवता की रक्षा के लिए आज मैंने ये भीष्म प्रतिज्ञा लिया है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से चुनाव के बाद में हिंसा हुई है और वहां लाखों लोगों की हत्या हो रही है जो ममता बनर्जी सोची समझी रणनीति के तहत करा रही हैं और उसको छिपा रही हैं। जब वहां भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव के पहले गए थे तो उनके ऊपर हमला हुआ था और इसके बाद हिंसा के बाद में जब बीजेपी के विदेश मंत्री जब वहां पहुंचे तो उनके काफिले पर हमला हुआ। जब मंत्रियों के इतनी सिक्योरिटी के बाद उनके ऊपर हमला हो रहा है तो वहां आम पब्लिक की क्या स्थिति होगी? वो भी उन्होंने दावा किया कि पुलिस की मौजूदगी में उनके ऊपर हमला हुआ। यह निश्चित रूप से जिस तरह से कलकत्ता किलिंग हुई थी और 16 अगस्त 1946 में जिस तरह से जो है तो कलकत्ता किलिंग हुई थी, डायरेक्ट एक्शन डे जिसका नाम दिया गया था, आज उसी तरह से वही हालात वेस्ट बंगाल में पैदा हो गया है। इसलिए मैं वहां वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग करता हूं। मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य आचार्य पीठ तपस्वी छावनी राम घाट अयोध्या से आज मैं शपथ लेते हुए मैंने ये चिता लगाया है कि यदि वेस्ट बंगाल में 24 मई तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया तो संविधान की रक्षा के लिए, इंसानियत की रक्षा के लिए, मैं धर्माचार्य होने के नाते मैं ये तो कानून को हाथ में नहीं ले सकता हूं। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि देशवासियों तुम शस्त्र उठा करके और रोहिंग्या मुसलमानों को, घुसपैठियों को मौत के घाट उतार दो, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद करता हूं कि वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, पीड़ितों को न्याय मिले, जिनका घर जला दिया गया है उनको घर बनवा के दिया जाए, जिनके यहां मौत हुई है कम से कम लोगों को 1 करोड़ रुपए पर मौत पर और एक सरकारी नौकरी दी जाए। और वहां के जो हालात हो गए हैं, ममता बनर्जी ने चैलेंज किया था खेला होबे और जैसे ही जो है तो इलेक्शन जो है खत्म हुआ खेला शुरू हो गया और वहां जो हुआ है वो कलकत्ता किलिंग की तरह है। जैसे देश के पार्टीशन के समय में कलकत्ता में एक तरफ से नरसंहार हुआ था जिसका डायरेक्ट एक्शन डे नाम दिया गया था, आज वही हालात वेस्ट बंगाल में है। और अगर इस पर मोदी जी एक्शन नहीं लिए तो फिर जिस तरह से जो है देश का पार्टीशन उस समय हुआ था वही हालात वेस्ट बंगाल में लोगों ने पैदा कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो रोहिंग्या है, रोहिंग्या मुसलमानों को घुसपैठियों की नेशनलिटी समाप्त करके देश से बाहर किया जाएगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर 25 मई को मेरा मरना निश्चित है, क्योंकि अगर संविधान की धज्जियां उड़ेंगी अपने सामने तो मैं देशभक्त हूं, मैं निर्दोषों को मरते नहीं देख सकता हूं, इसलिए मैं अपने आप को ही चिता में जला करके स्वाहा कर दूं। संविधान की रक्षा के लिए वेस्ट बंगाल में जो हिंसक प्रदर्शन हो रहा है वो हिंसा बंद हो, पीड़ितों को न्याय मिले और वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग को लेकर के आज हमने भीषण प्रतिज्ञा किया है। यदि 24 मई तक हमारी बात नहीं मानी गई तो 25 मई को इसी चिता में यहीं बैठ करके और मैं आत्मदाह करूंगा। आज सभी देशवासियों के सामने मैं चिता लगा करके और अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, देशवासियों की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए, इंसानियत और मानवता की रक्षा के लिए आज मैंने ये भीष्म प्रतिज्ञा लिया है। पश्चिम बंगाल में जिस तरह से चुनाव के बाद में हिंसा हुई है और वहां लाखों लोगों की हत्या हो रही है जो ममता बनर्जी सोची समझी रणनीति के तहत करा रही हैं और उसको छिपा रही हैं। जब
वहां भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव के पहले गए थे तो उनके ऊपर हमला हुआ था, और इसके बाद हिंसा के बाद में जब बीजेपी के विदेश मंत्री जब वहां पहुंचे तो उनके काफिले पर हमला हुआ। जब मंत्रियों के इतनी सिक्योरिटी के बाद उनके ऊपर हमला हो रहा है तो वहां आम पब्लिक की क्या स्थिति होगी? वो भी उन्होंने दावा किया कि पुलिस की मौजूदगी में उनके ऊपर हमला हुआ। यह निश्चित रूप से जिस तरह से कलकत्ता किलिंग हुई थी, और 16 अगस्त 1946 में जिस तरह से जो है तो कलकत्ता किलिंग हुई थी, डायरेक्ट एक्शन डे जिसका नाम दिया गया था, आज उसी तरह से वही हालात वेस्ट बंगाल में पैदा हो गया है। इसलिए मैं वहां वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की मांग करता हूं। मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य आचार्य पीठ तपस्वी छावनी राम घाट अयोध्या से आज मैं शपथ लेते हुए मैंने ये चिता लगाया है कि यदि वेस्ट बंगाल में 24 मई तक राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया तो संविधान की रक्षा के लिए, इंसानियत की रक्षा के लिए मैं धर्माचार्य होने के नाते मैं ये तो कानून को हाथ में नहीं ले सकता हूं। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि देशवासियों तुम शस्त्र उठा करके और रोहिंग्या मुसलमानों को, घुसपैठियों को मौत के घाट उतार दो, क्योंकि संविधान सर्वोपरि है। इसलिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उम्मीद करता हूं कि वेस्ट बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, पीड़ितों को न्याय मिले, जिनका घर जला दिया गया है उनको घर बनवा के दिया जाए, जिनके यहाँ मौत हुई है कम से कम लोगों को 1 करोड़ रुपए पर मौत पर और एक सरकारी नौकरी दी जाए, और वहां के जो हालात हो गए हैं, ममता बनर्जी ने चैलेंज किया था खेला होबे, और जैसे ही जो है तो इलेक्शन जो है खत्म हुआ खेला शुरू हो गया, और वहां जो हुआ है वो कलकत्ता किलिंग की तरह है, जैसे देश के पार्टीशन के समय में कलकत्ता में एक तरफ से नरसंहार हुआ था जिसका डायरेक्ट एक्शन डे नाम दिया गया था, आज वही हालात वेस्ट बंगाल में है। और अगर इस पर मोदी जी एक्शन नहीं लिए तो फिर जिस तरह से जो है देश का पार्टीशन उस समय हुआ था वही हालात वेस्ट बंगाल में लोगों ने पैदा कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो रोहिंग्या है, रोहिंग्या मुसलमानों को घुसपैठियों की नेशनलिटी समाप्त करके देश से बाहर किया जाएगा, और अगर ऐसा नहीं होता है तो फिर 25 मई को मेरा मरना निश्चित है, क्योंकि अगर संविधान की धज्जियां उड़ेंगी अपने सामने तो मैं देशभक्त हूं।